को परेशान क्यों कर रहा है? हाँ, जाने दे उसे। अरे मिन्नत है, क्या कर रही है? उसके मुंह पे एक बजा तब इसको मजा आएगा। खबरदार, कल जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। ड्रीम गर्ल सिर्फ आप ही हो जो मुझे सच्चा प्यार करती हो। आई लव यू। अरे अरे, ये क्या? माफ करना दीदी, चौधरी ने ये गेट खोलने को मना करा है। आप लोग भी बहुत अजीब हैं। वो हमें ऐसे परेशान करता है, उसे डांटने के बजाय अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। नहीं, क्यों रिश्ता रखना है उससे? इतना बदतमीज से कैसे नीचा दिखा के गया अभी? हंसी करता है सरू, दिल का साफ है। उसके मजाक को सरोज की नफरत के साथ मत तोड़, दोनों बहुत अलग हैं। अलग कैसे हैं दादी? एक चोट देती है और दूसरा तकलीफ। खैर, आप लोग को थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे। फर्क तो हमें पड़ता है ना। चलो यहाँ से यूटर्न लेके जाना पड़ेगा। सीधे सीधा अच्छा रास्ता था, लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, गुस्से में मत जा सही हो। हाँ चलो। जितनी मन्नत मैंने आपसे चिरू से शादी करवाने के लिए मांगी है, उससे ज्यादा इस गाना से दूर रहने की मांगती हूँ कृष्णा जी। चिरू बेटा, आज घर जल्दी आ जाना, तेरे शादी की बात तय करनी है। अरे सही में क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? हे भगवान, कब ये लड़की मोहल्ले से जाएगी और हमें शांति मिलेगी? जब भी हमारे बच्चों के सामने आती हो, अनर्थ हो जाता है। लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, हम ठीक है, हम ठीक है। परेशान नहीं हो दी, चिरू भैया संभाल लेंगे। आपको भरोसा है ना उन पर, उनके प्यार पे? बहुत है, पर उससे कहीं ज्यादा भरोसा मुझे सरोज आंटी की नफरत पे। कभी मेरी और चिरू की शादी नहीं होने देंगी। हमारे चिरू की शादी ऐसे करवाएंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया देखे ना देखे, लेकिन आपके दुश्मन जरूर देखेंगे माँ, देखना। ये जितने बूंदी के लड्डू भगवान जी को चढ़ा रहे हैं ना शादी की बात शुरू होने पर, उससे कई ज्यादा लड्डू उनके यहाँ भिजवाऊंगी, उन्हें चलाने के लिए जब दुल्हन घर आएगी। हाँ माँ, ये बात भी सही है। दिन रात मसाला कूटने वालों के घर एक दिन को सही, मिठास तो आएगी ना। मिठास जो कड़वाहट से भरी होगी, बीते समय की कड़वाहट, बेइज्जती की कड़वाहट। घर में कोई मर्द है ना जेब में पैसा, फिर भी देखो तो ना इनकी अकड़ कम हो रही है ना खुशियां। पता नहीं किस बात पे इतराती है ये शर्माए। कितनी अजीब बात है ना माँ, सयू के पापा और धनराज भाई साहब चाहते थे कि वो दोस्त से समधी बन जाए। और हाँ, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, बेटी विदा भी हो जाती और दूर भी नहीं जाती, दोनों घरों के रिश्ते और भी मजबूत हो जाते। अब तो गलती से भी ये बात नहीं कह सकते माँ। अब तो धनराज खुद कहने आए तो भी 100 बार सोचेंगे हम। अभी दूर है तो कम मौके मिलते हैं सरोज को दुश्मनी निकालने के, लेकिन अगर बेटी दे दी तो भूखे शेर के आगे बकरी पर उसने जैसी बात हो जाएगी ना इंदू। बिल्कुल सही कह रही हो माँ, ये सोचना भी बहुत गलत होगा। कुछ कम दुख नहीं सहे हमारी सहयो ने, जो हम उसके आने वाली जिंदगी से खुशियों की उम्मीद छीन ले।
हमेशा ऐसा ही होता है। जब तुम मुझे फोन करते हो तो मैं क्लास में होती हूँ, और जब मैं तुम्हें फोन करती हूँ तो तुम मीटिंग में। बहुत टेंशन हो रही है चीरू, आई नो तुम्हें भी ये हो रही होगी, इसलिए चाहती हूँ कि हम मिलके एक बार बात कर लें, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं। हम सरोज आंटी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये जिंदगी है ना, हमें साथ में बितानी है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। चुन्नी चुन्नी पे लिखा है काना का नाम। आज से तुम्हारी ये चुन्नी हमारे नाम की। कितनी बकवास कर सकता है कोई, मतलब कितनी बकवास नहीं है, बक खास है क्योंकि हमारे मुंह से निकली है, और ना चाहते हुए भी तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर कॉलेज में नहीं होती ना तो ये दुपट्टा उठा के जला देती मैं और दूसरा ओढ़ लेती। कान्हा का नाम है, वो जलाने से भी नहीं जलेगा। जैसा तू है ना, ये देख वैसे तेरा नाम भी उल्टा छपा है यहाँ पर। नाम सीधा है लेकिन तुझे तो दिखेगा नहीं, जानी दुश्मन।